भारत माता की जय। रिलोकेशन ओनली सॉल्यूशन, 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 रिलोकेशन। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज और नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ज्वाइंटली एक प्रोटेस्ट यहां कर रहे हैं। मतलब दोनों एम्प्लॉयज के जो सेक्शंस हैं वैली में काम कर रहे हैं पिछले 12-14 साल से, तो हमारी जो डिमांड है एक वन पॉइंट डिमांड ये है कि जो रिसेंटली टारगेट किलिंग्स हुए हैं कश्मीरी पंडितों या माइनॉरिटीज को लेकर, इसके बाद हम एम्प्लॉयज ने एक डिसीजन लिया है कि हमारी जो अभी अटैचमेंट हैं वो इमीडिएटली रिलीवेंट रिहैबिलिटेशन कमिश्नर्स के ऑफिस जो माइग्रेंट्स का कस्टोडियन है वहाँ पर करने के लिए जाए किया जाए। एक बार हम वहाँ ज्वाइनिंग करें और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और एक वायल जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा कि आकर क्या करना है। मगर हमारा इसमें बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है कि ये जो पैकेज है 2010 में इम्प्लीमेंट की गई है इसका कोई रोड मैप नहीं है, ये रॉन्ग लाइन्स पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ये पहले ही इसके जो तैयारियाँ हैं वो पूरी तरह से नहीं की गई हैं, इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। और बाद में अगर रिहैबिलिटेशन गवर्नमेंट को करनी है वहाँ तो पूरे कम्युनिटी की होगी, जब तक पूरे कम्युनिटी की नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि एम्प्लॉयमेंट से जो पर्पस है वो फुलफिल होगा। देखो आज का जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट आज का हमने रखा है, ये आपको मालूम है माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रहे हैं, तो हम जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं चाहे नॉन पीएम पैकेज हो या माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हो, ये हमारी एक खसूसी डिमांड आज इसलिए रखा है, ये हमारी एक मेन डिमांड है कि हमें सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, क्योंकि अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक डिसीजन लिया है डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट को डिविजनल कैडर पोस्ट पर, लेकिन मुझे लगता है कि उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट तो वहीं पे और सिलेक्टिव किलिंग हो रहे हैं, तब हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि हमें सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, जो कि हमें रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन हमारा ऑफिस है यहाँ पे मिलेगा, वहीं पे तब तक रखा है जब तक हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी पूरी।